आज हम लोग करने वाले पबजी टेस्ट ऑन वीवो X70 प्रो प्लस एंड भाई मैक्स ग्राफिक्स में गेम प्ले करेंगे एंड देखेंगे भाई कैसा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है एंड बैटरी देखेंगे कितना ज़्यादा हीट हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप्स हो गया, ये सारा चीज़ चेकआउट करने वाले हैं एंड क्या आपको सेटिंग्स में गेम प्ले करके देता है ये स्मार्टफोन। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम की तरफ देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। यहाँ पे देख सकते हो स्मार्टफोन को मैंने 60% पे चार्ज कर दिया एंड देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मैं वेरिएंट का बात करूँ तो मेरे पास वेरिएंट है 12 GB रैम विद 256 इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, फ्लिपकार्ट पे फिलहाल अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हो 80,000 के अराउंड में आपको मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर चेकआउट कर सकते हो। स्पेक्स का बात करने से पहले मैं दो तीन चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे थिकनेस इसका 8.8 mm है तो आप बोल सकते हो काइंड ऑफ थिन है एंड अगर वेट का बात करें 216 ग्राम है तो थोड़ा आपको हैवी फील होगा। अगर यहां पर डिस्प्ले का बात करें तो एमोलेड स्क्रीन के साथ में आता है 6.78 इंचेस का, फुल बेजेलेस आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है एंड यहां देख सकते हो कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है, मस्त 3D फील होता है। 1500 निट्स का ब्राइटनेस है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो कभी भी PUBG अगर 90 FPS के लिए अगर अपडेट होता है तो आप इसमें 90 FPS का भी गेमिंग कर पाओगे। यहीं अगर चिपसेट का बात करूं तो Qualcomm Snapdragon का 888+ प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर आप बोल सकते हो, जो कि आपको धमाका वाला परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। ऑक्टा कोर 3 GHz का 5 nm का चिपसेट है तो बैटरी पे आपको कम ड्रेन होगा। LPDDR5 का 12 GB रैम तो मिलता ही है एंड प्लस आपको 4 GB रैम एंड वर्चुअल मिलेगा जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हो एंड स्टोरेज का बात करूँ तो UFS 3.1 देखने को मिलता है। स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पबजी को फास्ट फास्ट लोड करने में एंड बाय द वे यहाँ पे मेरे पास आईफोन 13 प्रो भी है। वीवो X70 प्रो के साथ मैंने कंपेयर किया था, कैमरा कंपेरिजन किया हुआ है, स्पीड कंपेयर किया हुआ है, इसके अलावा पबजी कंपेयर भी किया है, अगर आप बोलोगे तो इस स्मार्टफोन के साथ भी हम लोग ला देंगे। यहाँ पे रिसेंट में देख सकते हो रिसेंट में कुछ भी नहीं है एंड ये मेरे वाईफाई के साथ में कनेक्ट है, देखते हो भाई कितने देर में पबजी खोल के देता है, 3 2 1 गो। जब तक पबजी खुलता है टेम्परेचर का बात कर लेते हैं, रूम का टेम्परेचर 31 है, जो स्मार्टफोन है आपको 35-34 है स्क्रीन के तरफ में। सो यहाँ पे 22 सेकेंड में पूरा पूरा पबजी जो है लोड कर दिया है। यहाँ पे मैंने बैटरी का बात करने ही भूल गया, यहाँ पे आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिलता है जो कि एक डिसेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता तो मज़ा आता है, लेकिन फ्लेक्सी फोन में क्या होता है ना, स्लिम करने के चक्कर में बैटरी घटा देते हैं। गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ बता देना चाहता हूँ, ब्राइटनेस मैं फुल रखने वाला हूँ, वॉल्यूम भी यहाँ पे फुल रहेगा एंड बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलेगा एंड इसके अलावा वीवो में कुछ तो आपको गेमिंग मोड मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बैटरी सेविंग मोड है, एक आपका बैलेंस मोड है, एक यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है, तो हम लोग एक परफॉर्मेंस मोड में गेम प्ले करेंगे एंड फुल ग्राफिक्स तक का मतलब पुश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4D गेमिंग वाइब्रेशन है जो कि आप ऑन कर सकते हो और वॉइस चेंज करना है तो या फिर आपको ब्राइटनेस लॉक करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो, तो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने एनेबल कर दिया। अगर यहीं पे अगर मैं ग्राफिक्स का बात करूँ तो सेटिंग में जाते हैं भाई, यहाँ पे जायरोस्कोप का आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। ग्राफिक्स का बात करूँ तो यहाँ पे स्मूथ में आप एक्सट्रीम में गेम प्ले कर पाओगे जहाँ पे आपको 60 FPS निकाल के देगा, बैलेंस में भी आपका 60 है, HD में भी 60 है, HDR में भी 60 है एंड अल्ट्रा HD में आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो जहाँ पे आपको 40 FPS निकाल के देगा। हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करेंगे अल्ट्रा HD अल्ट्रा में एकदम फुल मैक्स ग्राफिक्स के साथ में एंड भाई देखें कैसा गेम प्ले निकाल के देता है। एक और चीज़ आपको कहीं पे भी आपको 3.5 जैक नहीं देखने को मिलता तो आपको कनेक्टर लगा के फिर 3.5 जैक लगाना पड़ेगा। सो मस्त यहाँ पे एक मैं TDMS लगा के अपने आपको वार्म अप कर लेता हूँ, टाइमर को भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया एंड मैं अभी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं FPS काउंटर आपको नहीं दिखा सकता हूँ, अगर मुझे कहीं फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं जैरो का बात करूँ तो जैरो काफ़ी अच्छा स्मूथ निकल के आता है, वैसे आप जैरो का और भी स्मूथ कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप एक जैरो प्लेयर हो तो आपको मज़ा आएगा एंड स्पीकर का बात करूँ तो यहाँ पे स्पीकर आपको डुअल स्पीकर के साथ में आता है, काफ़ी लाउड भी है, आपको डिसेंट सा लाउड लाउड देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कर्व डिस्प्ले बोल के भाई बहुत मस्त है, यहाँ पे आराम से एक हल्का टच करने से भी मजा आ जाता है। यहाँ पे भाई इतना बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है तो गेमिंग करने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, बड़ा डिस्प्ले में गेमिंग, ओहो
भाई एकदम फोरहेड दिखता है, सिर्फ एकदम फोरहेड दिखता है। और फिलहाल अभी तक गेमिंग में तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, कोई भी ड्रॉप वगैरह नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, मस्त फ़ोन चल रहा है, ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ अभी तक। सो यहाँ पे फर्स्ट टीडीएम मैच खत्म हो गया, अच्छा गेम प्ले निकाल के दिया, मज़ा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बस ऐसा ऐसा जगह जाता है जहाँ पे एनिमी बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं शैनहॉक। नहीं पहले भाई लिविक लगाएंगे फिर शैनहॉक में जाएंगे। अरे यार भाई मारना गाइस। यहाँ पे टोटल 41 मिनट हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए, टेम्परेचर का बात करें रूम का टेम्परेचर 31 है, एंड जो स्मार्टफोन है ये 41 तक आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है स्क्रीन के तरफ में, एंड बैक के तरफ का बात करूँ बैक में आपको 39 आपको मैक्स टेम्परेचर देखने मिलता है कैमरा मॉड्यूल के सामने में। एंड यहाँ पे बैटरी का बात करें तो भाई जब हम लोग गेम प्ले स्टार्ट किया था तब शायद 58% पे था और यहाँ पे अभी 41% पे आ गया है 41 मिनट में, तो बैटरी भी आप बोल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन हो रहा है जल्दी जल्दी, बिकॉज भाई एक तो 1500 निट्स का ब्राइटनेस है, प्लस इतना बड़ा स्क्रीन है, फुल ब्राइटनेस है, बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फुल वॉल्यूम भी तो हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड से ड्रेन हो रहा हो। और मेरे को भाई एक चीज़ तो है गेमिंग के मामले भाई ट्रिपल एट प्लस भाई क्या परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, मेरे को कहीं पर वैसा कोई प्रॉब्लम वगैरह फील नहीं हुआ जैसे कि लैग होना या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो भाई ऐसा होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अबे यार AWM से मार दिया। सो गाइस यहाँ पे टोटल 1 आवर 16 मिनट हो गया टोटल पबजी गेम प्ले करते हुए, टेम्परेचर का बात करें तो रूम का टेम्परेचर 32 है, जो स्मार्टफोन है 41 के तरफ आपको हाई स्क्रीन की तरफ में टेम्परेचर है, एंड पीछे का बात करूँ तो पीछे में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर 39 का देखने को मिलता है, तो मतलब कि पीछे में 39 रहता है एंड आगे में 40, 41, 42 तक हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है। एंड यहाँ पे बैटरी जो है 21% पे आ गया 60% से ठीक 1 आवर 16 मिनट में। परफॉर्मेंस कैसा निकला पबजी गेम प्ले में मज़ा आया कि नहीं आया, कहीं पर भी मुझे फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला भाई, इतना ज़्यादा पावरफुल टोर परफॉर्मेंस निकाल के दिया भाई स्नैपड्रैगन 888+। भाई खुद पे प्लस है और भाई स्नैपड्रैगन 888 है तो भाई परफॉर्मेंस तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, एंड काफ़ी अच्छा चल गया इस स्मार्टफोन पे। स्पीकर आपको डिसेंट देखने को मिलता है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा साइज का है, एमोलेड स्क्रीन के साथ में आता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो इन फ्यूचर जब 90fps का जब पबजी आएगा अपडेट में तब आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हो 90fps का गेमिंग, एंड थोड़ा सा वार्म होता है तो आप कवर वगैरह लगा के खेलोगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यस डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो फॉर पबजी के लिए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हो, चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक इनबॉक्सिंग यूजर नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।